ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ तो जी साढ़े सफर का पहला टोल प्लाजा आ गया तो इस वक्त असी चलांग पिंड में हैं तो ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट पिंड आ इस तो अगर हुशियारपुर जिला शुरू हो जाना है सो आप इस टोल प्लाजे को क्रॉस करते हैं हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एंटर हो जावे सो दोस्तों हुण इस वक्त असी दसूहा शहर के नज़दीक पहुँच गए हैं तो दसूहा तो तकरीबन 2 किलोमीटर पहला एक बहुत ही ज़्यादा इतिहासिक नगर आता है उसका नाम है गरना साहिब तो इतने एक बहुत ही इतिहासिक गुरद्वारा साहब मौजूद है जिसके बारे कि मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका है तुम देख सकते भी सामने गरना साहिब का बोर्ड लगे हुआ है तो इधर गुरद्वारा साहब का रस्ता है तो तुहानू मैं उस वीडियो के विसाखी का मेला दिखाया सीगा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इतों का विसाखी का मेला तुम उस वीडियो ने भी जरूर देखियो सो आओ हम आप दसूहा सिटी क्रॉस करते हैं तो अगे असी पठानकोट पहुँच के तुम्हें मिलते हैं सीधा पठानकोट में एंटर होने तो पहले GT रोड के आस पास बहुत सारे पेट्रोल पंप जोड़े है वो हिमाचल के है यानी कि बहुत सारे कस्बे है जो हिमाचल के पेंदे है सो इतने जो पेट्रोल तो डीजल है वो पंजाब नालों सस्ता है सो इस करके असी हिमाचल के पेट्रोल पंप तो डीजल भरवा रहे हैं पंजाब नालों कितना सस्ता है इतने 4 रुपये 4 रुपये पर लीटर ठीक है सो वीरो हुण असी पठानकोट पहुँच चुके हैं तो बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है टैंपरेचर बाहर का है 28 डिग्री सैलसीयस तो तकरीबन सवेर के 10:30 बजे का टाइम हो गया सानू भोगपुर तो 1.5 घंटा लग्या इतने तक पहुँचने लिए तो इतों हल्के हल्के पहाड़ भी जोड़े शुरू हो गए हैं सो आओ हुण आपां पठानकोट शहर के अंदर चलते हैं लो जी आप इतों जोड़ा है जम्मू एंटर कर जाने थोड़ा जहाँ सिक्योरिटी चैकअप होंगे इतने कोई ज़्यादा वारी करने की लड़ नहीं हैगी इस तो बाद आप जो जम्मू के ही आ गए ना हाँ जी आज जम्मू के एंटर हो चुके हैं जी सीधे जाना दोस्तों जिवें असी पठानकोट तो 20 किलोमीटर अगे गए तो सानू पता चलिया कि उधमपुर के लागे एक बहुत वड्डी लैंडस्लाइड हो जाने कारण एक पूरा का पूरा पुल टुट गया जिस कारण श्रीनगर में एंटर होना मुश्किल सीगा तो उस पुल नूं बनने में 7 या 8 दिन लग जाने से सो सानू मौके पर ही अपना जिहड़ा श्रीनगर का टूर रद्द करके हिमाचल वल जाना पिया तो हुण असी कार दे विच बैठे बैठे ने ही हिमाचल का यानी कि मनाली का टूर प्लैन किया सो तुसी अगलिया आने वाली वीडियोज़ दे विच तुसी साडा मनाली का टूर देखोगे असी कोशिश करांगे कि लेह लद्दाख के रूट के उत्ते जिन्ना अगे तक साढ़े को जा होया असी जावांगे उत्थे सो हाँ जी वीरो अज की अपडेट यह हैगी है कि असी टूर तो प्लैन किया श्रीनगर का पर जिमें कि तुसी न्यूज़ सुन ही ली होनी है कि रस्ते दे विच जिहड़ा हैगा आ वो रोड बिल्कुल ही खराब हो चुका है श्रीनगर जाने वास्ते जिहड़ा हैगा वो हालात जिहड़े हैगे आ खराब हो चुके हैं यानी कि रोड बिल्कुल जिहड़ा हैगा पुल हैगा वह बह चुका है सो असी सानू ये जिहड़ी न्यूज़ हैगी पठानकोट जाके मिली इस करके असी अपना जिहड़ा टूर हैगा आ ये असी डायवर्ट कर दिता श्रीनगर टू हुण असी मनाली जा रहे हैं तो मनाली के अगे जाके असी तुहानूं दस्सदे हां कि साडा अगला टूर कित्थे तक का बनता सो अज की वीडियो में आप इतें एंड करते हैं सो जेकर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी तो इस वीडियो में लाइक जरूर करियो और साडे इस मनाली टूर में इंजॉय करने लिए चैनल में सबसक्राइब भी करियो और इसी तरह की होर भी बहुत सारिया वीडियोज़ देखने लिए तुसीं साडे चैनल के उत्ते विजिट कर सकते हैं सो जल्द मिलते जी किसी नवी वीडियो के नाल तद तक लई धन्यवाद सत श्री अकाल जी